सब गाइस एंड आई थिंक सब आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जिन प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, कुछ दो नए प्रोडक्ट हैं। एक तो नया नहीं बोलोगे, एक तो मैंने आज से 5-6 महीने पहले मंगाया था, तो उसकी मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की थी अपने किसी भी ब्लॉग में। तो ये है SJ Camp 4000 Wi-Fi। तो ये मैंने ख़रीदा था लगभग 5000 का, और इसके साथ 128 GB का मेमोरी कार्ड भी ख़रीदा था। तो उसका प्राइस लगभग 1600 के आसपास था, तो लगभग 6500 के आसपास का मुझे अमाउंट पे करना पड़ा था। चलिए चल के इसकी अनबॉक्सिंग करके हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है एकदम इस कैमरे के अंदर। इसकी वीडियो फुटेज भी दिखाऊंगा मैं आपको इसी ब्लॉग के अंदर कि कैसा इसका वीडियो रियल फुटेज जो है वो कैसा है। प्लस मैंने एक दूसरा प्रोडक्ट मंगाया है, इसमें दो अनबॉक्सिंग करेंगे। एक बड़ा खास सा प्रोडक्ट है, तो मैं आपको ये भी दिखा दूंगा एग्जैक्टली है क्या ये। तो ये मुझे लगभग 450 रुपये के आसपास पड़ा है, वैसे अभी आई थिंक इसका प्राइस होगा वो 600 के आसपास होगा। तो चलिए एंड इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं एंड व्हाट्सअप। सो गाइज, हमें जो प्रोडक्ट मिले हैं वो ये दो प्रोडक्ट मिले हैं। प्लस मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिखाऊंगा जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद रखी हैं। सो पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं हमारे एक स्पेशल कंटेंट की कि एग्जैक्टली मैंने क्या मंगाया था। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था। अमेज़ोन से मैंने इसको ख़रीदा है। सो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था, और इसका आप देखेंगे तो ये एक पोर्ट्रोनिक्स का 8 एम्पियर का चार्जर है। सो गाइज देख सकता हूँ, रियली लुक्स फैंटाबुलस। तो ये एक चार्जर है पोट्रोनिक्स का। तो इस चार्जर की एक खास बात मैं आपको दिखाता हूँ। खास बात इस चार्जर की ये है कि इस चार्जर के अंदर आप एक पिन से 6 अलग अलग पोर्ट्स में चार्ज कर सकते हो। तो ये केबल दिया है मुझे इसके साथ साथ, प्लस ये चार्जर देख सकते हो आप, तो 6 अलग अलग, और ये आपको मिनिमम 2 एम्पियर देगा आपको एक पोर्ट के अंदर। तो डिपेंड करता है आपकी चार्जिंग पे, और चार्जिंग भी काफ़ी अच्छी है, मैंने इसको यूज़ करके देखा है। इट्स रियली लाइक एक साथ आपको 6-6 चार्जर कैरी नहीं करने हैं, बट आपके पास USB होना चाहिए, लाइक आप जो भी USB यूज़ करते हैं टाइप सी एंड ऑल। सो गाइज ये चार्जर लाइक यू नो 450 रुपीज़ के बजट में मैंने इसको फ्लिपकार्ट से ख़रीदा, बिकॉज उस टाइम पर डील थी तो मुझे काफ़ी सस्ता मिला ही है। तो गाइज इसे आप ख़रीद सकते हो बाय फ्लिपकार्ट एंड इट्स रियली लाइक यू नो देख सकते हो काफ़ी ऑप्शन सा दिख रहा है, छोटा सा चार्जर है, ईजी टू कैरी है। 6 अलग से चार्जर लेके नहीं जाने हैं, USB केबल होनी चाहिए, अदरवाइज बस एक ही में आप कनेक्ट करिए। पोर्ट्स एक्सटेंशन का भी आपको ज़रूरत नहीं है, ईजिली आप कर सकते हो। तो मैंने ये प्रोडक्ट ख़रीदा था। प्लस चलिए चलते हैं हम अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइज ये मैंने एक SJ Camp ख़रीदा था अमेज़ोन से, लगभग 4900 रुपीज़ का मुझे ये मिला था, और इसमें भी कोई डिस्काउंट लगा था तो लगभग 4800 या इस लमसम इसको तरीके का अमाउंट था। ये मैंने 6 महीने पहले ख़रीदा था गाइज, इसको मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज यूज़ करने का टाइम नहीं मिला मुझे, यूज़ नहीं कर पाया मैं बिकॉज मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहा था मैं। बट अभी अगस्त में जो राइड स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसमें मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। इसके साथ मैं GoPro Hero 8 भी यूज़ करूँगा, उसकी भी अनबॉक्सिंग करूँगा कि उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। प्लस मैं तो इसके कुछ वीडियो शॉर्ट्स भी दिखाऊँगा मैं आपको, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसे आप देख सकते हो। चलिए हम चलते स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का बॉक्स होगा आपको, इस तरीके के बॉक्स में आप देखोगे तो एक कैमरा मिलेगा, ये नॉर्मल कैमरा, प्लस इसके साथ आप देख सकते हो ये एक केस है, वाटरप्रूफ केस है। तो वाटरप्रूफ केस में लाइक प्रोटेक्ट करेगा, और इसको मैंने प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाटरप्रूफ केस है, आप अगर जाना चाह रहे हो तो वाटरप्रूफ केस यूज़ करिए। प्लस ये ब्यूटीफुल सा कैमरा मिलेगा आपको, ये देख सकते हो ब्यूटीफुल सा कैमरा है, कैमरा है, कैमरे के साथ केस है। प्लस इसके कुछ माउंट्स आते हैं, ये इसके माउंट्स आते हैं इसके साथ में, मुझे एक्सेसरीज माउंट्स ये इसके साथ नहीं मिले हैं। सो गाइज एक देख सकते हो आप ये माउंट्स हैं इसके, जो कि इसके साथ में ही मुझे ये माउंट्स दिए गए हैं। मैं आपको माउंट्स सारे निकाल के दिखा देता हूँ, और ये इसकी USB केबल है जो चार्जिंग पर्पज से मिली है मुझे। तो गाइस देख सकते हो ये कुछ माउंट्स हैं, एक माउंट मैंने हेलमेट पे कर रखा है, माउंट अपने हेलमेट पे माउंट किया हुआ। तो ये कुछ माउंट्स हैं जिनसे आप पर्टिकुलर अपनी बाइक पे कहीं भी ज़्यादा टाइम इन्हें माउंट करके अपने कैमरे को फिक्स कर सकते हैं। तो मैं आपको कैमरे माइक हेलमेट के ऊपर भी फिक्स करके दिखा दूँगा कि मैंने किस तरीके से माउंट किया हुआ। ये कुछ माउंट्स हैं, एक एक्स्ट्रा माउंट मिलता है जो कि मैंने माउंट किया अपने हेलमेट पर। गाइस तो ये है कैमरा, देख सकते हो ये ब्यूटीफुल सा कैमरा है। सो इस ब्यूटीफुल से कैमरे में देख सकते हो यहाँ एक पावर बटन है, एक क्लिक करने के लिए ओके है, प्लस अप एंड डाउन। सो गाइस इसको हम स्टार्ट करते हैं कैमरे को, तो पावर बटन को थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करेंगे, देन ये स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस ये देख सकते हो स्टार्ट हुआ ये,
एंड रियली बहुत छोटा है ये, इतना छोटा सा है ये, बड़ा प्यारा सा है। सो इस देख सकते हो, एंड अभी मैंने ये कैमरा ऑन किया है तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दिया इसने रिकॉर्डिंग करना। सो आप देख सकते हो, सो गाइस देख सकते हो अभी मैंने 720 पिक्सल्स 60 ऐप पे इसको फिक्स कर रखा है। सो देख सकते हो, और उसके बाद मैं पावर प्रेस की करूँगा तो इसका मोड चेंज हो जाएगा, 16 मेगापिक्सल का आपका कैमरा सेट हो जाएगा। उसके बाद एक और बार पावर प्रेस करूँगा, सो गाइज ये आपका 720p 120 fps पे आ जाएगा, स्लो मोशन जिसमें आप वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो। सो ये आपके फ़ोटोज़ वीडियो जो आपने क्लिक कर रखे होंगे वो आप देख सकते हो। प्लस इसके बाद इसकी सेटिंग्स आती है, तो ओके पे क्लिक करते हैं। प्लस दिखाता हूँ मैं वीडियो रिजोल्यूशन, जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखा है 720p, तो आप अपने हिसाब से अपने अनुसार आपको लगता है 720p करना है आपको, या फिर 720p से आपको चेंज करना है 30fps टू 0.7 करना है, जिस तरीके से 4K वीडियो शूट करने हैं 4K वीडियो कर सकते हो। तो मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ वो 720p सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इससे थोड़ा सा बैटरी का बैकअप अच्छा मिल जाता है। सो गाइस इसको ओके कर देते हैं। रिकॉर्डिंग साउंड आपको चाहिए है, टाइम लैप्स का ऑप्शन है, लूप रिकॉर्डिंग है, स्लो मोशन है, कितने पिक्सल का सेट करना चाहते हो। प्लस इसके साथ साथ पावर की से देखते हैं, ये आपका फोटो का रिजोल्यूशन है 16 मेगापिक्सल मैंने सेट किया है। आप इस कैमरे को अपने हिसाब से 12, 5, 8 जो भी आपको करना है। सो गाइस टाइम, ऑटो, ठीक है, ड्रामा शॉट्स, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, एंड वाइड बैलेंस भी है, ऑटो एक्सपोजर है, इमेज रोटेशन है, ठीक है। तो काफ़ी सारे वाईफाई का एक फीचर इसमें दिया हुआ है, वाईफाई से आप अपने डिवाइस को कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो देन लैंग्वेज है, डेट एंड टाइम है, फॉर्मेट है, रीसेट काइंड ऑफ रीसेट कर सकते हो, फॉर्मवेयर का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देन एग्जिट। सो आई थिंक गाइस ये लाइक यू नो काफ़ी लाइक 5000 के बजट में उसकी पिक्चर क्वालिटी भी मतलब एक हद तक देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है। इसके फोटो शॉट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या फोटो शॉट्स इसके आते हैं। तो सीरियसली गाइस इन इस प्राइस में अगर आप देख रहे हो तो लाइक यू नो काफ़ी बढ़िया डिवाइस है। सो लाइक इस प्राइस में अगर आप ख़रीदना चाहते हो गाइस, ये एक रियल फुटेज है इस कैमरे का, मैंने हाथ में सीधा होल्ड किया हुआ है, एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन भी पता चल जाएगा आपको कि वीडियो स्टेबलाइजेशन भी इसका कैसा है। सो नाउ गाइस लेट्स सी इसकी क्वालिटी, आपको ही बताना है कि क्वालिटी कैसी है, एंड वीडियो वाइज इमेजेस तो मैं अपलोड कर दूंगा, इंस्टा पे आप फॉलो कर लीजिएगा इंस्टा पे, एंड साउंड क्वालिटी भी आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि कैसी है, मुझे नहीं पता इसकी साउंड क्वालिटी, एंड मुझे चेक करनी होगी अभी कनेक्ट करने के बाद। तो दिस इज़ द रियल फुटेज, अभी 6:45 हो रहा है, थोड़ा सा अंधेरा भी हो रहा है, बट अभी देख सकते हो कि ऐसा इससे मिलने वाला है। और आगे की मोटो ब्लॉगिंग जो रहेगी वो मैं इसी से करने वाला हूँ, प्लस आगे आने वाले ब्लॉग्स में GoPro की अनबॉक्सिंग रहेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपन, तो देखते हैं। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने अभी की है, सो प्लीज़ आप इसे लाइक सब्सक्राइब एंड अगर नहीं किया तो कर लीजिए, जस्ट गिव मी अ थम्स अप टू मी, सो सपोर्ट मिलता है यार आप लोग का।